बाली साहब, बघेल साहब, डॉक्टर कमललाल जी, काजी साहब, पूजा जी, जिला अहदेदार, ब्लॉक अहदेदार, कारपोरेट नेशनल कॉन्फ्रेंस, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मुख्तसर मीटिंग गुप्ता साहब के हुक्म के मुताबिक जो आने वाले चुनाव होंगे या न होंगे, लेकिन म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग थी। उसके बाद हमने सोचा इकट्ठी एक मीटिंग हो जाए और कुछ लोग जो पहले हमारे साथ से बिछड़ गए थे वो ज्वाइन करना चाहते थे और कुछ हमारे हमदर्द लोग जो मुलाजमतों से सुखमदोष होकर खुले दिल से पार्टी की खिदमत करना चाहते थे वो भी आए थे। कुछ लोग भाजपा से भी आए, जाके देखा उन्होंने कि जो तंजीमी आजादी नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, बोलने की आजादी, कहने की आजादी और हर एक को बराबर रखने की आजादी, वो वहां पर नहीं। ये उन्होंने यही 3-4 महीनों में महसूस किया और वापस लौट कर आए। मैं उनका तंजीम में दिल की उम्मीद गहराइयों से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तंजीम की आबियारी के लिए तन मन धन से वो काम करते रहेंगे। और यहां पे इम्तियाज साहब ने बोला कि मीटिंग एक की पार्टी की, कुछ लोगों ने हमसे कुछ बातें करने थी, हमने उनसे बात करनी थी वक्त की तंगी की वजह से, क्योंकि हमने ठाठरी में भी मीटिंग करनी है और भुदराव में भी। उस वजह से हमने ये फैसला लिया कि यही लोग जो मेहमान आए हैं इनके ख्याल हम सुने और आप लोग आए, अपना वक्त तोड़ के यहां आए। इस वक्त बहुत फसल का भी सीजन है, बाकी भी मजबूरियां हैं, अपना वक्त और हमदर्दी इस जमात के साथ जता के यहां आए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और जो यहां मेहमान आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां आए और अपने ख्याल से कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने ख्याल से रूबरू किया और साथ में नौजवान हैं, हर जगह घूमते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं और आज यहां तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं ये हर वक्त जिस तरीके से लोगों के मसले मसला मीडिया में लाते हैं, हुकूमत की तंकीद करते हैं, लोगों की मुश्किलातों को उजागर करते हैं, ऐसे ही ये काम करते रहें और आबाद रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन।